शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इससे साबित होता है कि दबंगों में पुलिस के प्रति कोई खौफ नहीं। दरअसल गलशही थाना क्षेत्र हाफिज मेडिकल के पास के निवासी मोहम्मद हनीफ कबाड़ का काम करते हैं। आरोप है कि उनके साथ में काम करने वाले आसिफ ने कबाड़ का माल चोरी कर लिया था, जिससे पैसे लेने मोहम्मद हनीफ आसिफ से उसके घर शुक्रवार की रात गए। हनीफ के पैसे मांगने पर आसिफ ने मना कर दिया। आरोप है कि 5 से 6 लोगों के साथ मिलकर आसिफ ने हनीफ पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गलशहीद पुलिस द्वारा हनीफ को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया गया। हनीफ की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हनीफ के बेटे फखरुद्दीन ने बताया है कि वो अपनी ससुराल गया था। जानकारी हुई कि उसके वालिद का झगड़ा हो गया है और कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। जी, इनका कोई झगड़ा हो गया, मैं घर नहीं था। हाँ। मैं घर गया, माँ गया था अपनी ससुराल। मैंने आन के देखा, मेरे पास फोन आया, पापा जी को बहुत मारा है और कम से कम 7-8 लोग आए थे मानने, और पापा जी के धार धार चीज मारी, कोई बेहोश होगा मैं भी लेके भागे। क्यों, क्या कोई विवाद था? विवाद कुछ ऐसा विवाद नहीं था, मतलब कुछ माल के हिसाब से पार्टनरी हुई थी, तो इन्होंने काम करा तो कुछ माल हमारा चोरी हो गया था, तो हम उनसे माल के पैसे मांगने गए, तो 7-8 लोगों ने हमारे पापा जी पे हमला करा। ज़्यादा चोट आई है? जी, बहुत ज़्यादा चोट आई है। अभी आपने देखा वीडियो में, बेहोश पड़े हुए हैं बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जानी नहीं है। देखना होगा कि तेजी से बढ़ती इन घटनाओं पर कब तक अंकुश लग पाता है, साथ ही इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है।